हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज कल मैथ का सेशन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखते हैं एक आयताकार पाइप की लंबाई, एक आयताकार पाइप की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है तो अधिक है तो पाइप का क्षेत्रफल कितना दिया, तो पाइप की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो वो क्या कह रहा है, एक आयताकार पाइप की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, चौड़ाई से अधिक है क्या लंबाई, तो पहले क्या करेंगे चौड़ाई, माना की चौड़ाई मानेंगे, चौड़ाई मानेंगे एक्स और लंबाई मानेंगे x प्लस 8 और पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया, पार्क का क्षेत्रफल दिया अपन को 240। तो अब पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल को सूत्र लगा देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई 240 बराबर लंबाई x प्लस 8 चौड़ाई गुणे x, x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा प्लस 8x होगा और जो प्लस का इस साइड जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 240 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है, इसका गुणनखंड करेंगे 20 गुणे 12, 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा और 20 में से 12 घट जाएगा तो 8 बचेगा, 8 ही तो बचाना अपन को। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस का 12x माइनस का 240 बराबर 0। इसमें उसमें देखो x आ रहा कॉमन, सो x प्लस का 20 बचेगा माइनस का 12 ले लो कॉमन, तो x इस माइनस में प्लस का और 12 दूनी 24, 20 बचना बराबर 0 और ये ले लो x प्लस का 20 और x माइनस का 12 बराबर 0, और x प्लस का 20 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 20 अमान्य हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस का 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 जी मान हो जाएगी। यानी अपन ने कहा मानी थी चौड़ाई, चौड़ाई की वैल्यू का आ गई अपनी चौड़ाई बराबर आ गया 12, तो अपन ने लंबाई उसकी 8 गुनी अधिक करी थी, 8 अधिक तो x प्लस 8 यानी तो 12 प्लस 8 बराबर 20 जे आ गया, ये लंबाई जी आ गई चौड़ाई। और अपन को देखना है कि अपना सवाल सही है कि नहीं है, तो कैसे करेंगे 12 गुणे 20 कर देंगे 240 आ जाएगा इसका क्षेत्रफल के बराबर, तो सवाल सही हो जाएगा, नहीं तो फ्रेंड्स सवाल रॉन्ग हो जाएगा। 12 दिन 24 240 हो रहा है, 240 हो रहा है, इसलिए अपना सवाल सही है फ्रेंड्स। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है बोर्ड पेपर के एग्जाम के अनुसार, आपको कई बार प्रश्न ऐसे देखने को मिलते हैं, इसलिए फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दो संख्याओं का अंतर उनके वर्गों का योगफल, दो संख्याओं का अंतर उनके वर्गों का योगफल एक संख्या ज्ञात कीजिए, दो संख्याओं का अंतर माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y मान लेंगे, और दो संख्याओं का अंतर, अंतर क्या होता है घटाव, x माइनस वाई बराबर 2 पहला समीकरण मान लिया और इसको क्या करते हैं अपन x बराबर 2 माइनस वाई इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन। अब वो क्या कह रहा है, उनके वर्गों का एक फल 34, उनके वर्गों का एक फल 34 यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34 है, तो क्या इसको समीकरण 2 मान लिया और इसको रख दो पुट इन सेकंड में, x की जगह का रखना है y 2 जो प्लस का हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस का साइड जाएगा फ्रेंड्स प्लस का हो जाएगा, तो x की जगह 2 प्लस y रखना है, 2 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 34 और इसका होल स्क्वायर बोलेंगे तो a का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab दोनों 4y प्लस 4y प्लस y स्क्वायर जाकर था बराबर 34 हो जाएगा, 34 एक और एक 2y हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 4y और j प्लस का 4y जाकर था j प्लस माइनस का, प्लस का हिस्सा आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर 0, 2y स्क्वायर प्लस 4y और माइनस का कितना बचेगा, जी प्लस का, जी माइनस का, जी प्लस का है घट जाएगा सबट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 30 बचेगा बराबर 0। अब इसमें 2 से भाग दे दो क्योंकि 2 से भाग जा रहा है, 2 से भाग देने पर सो y स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2y हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना, 15 5 में से 3 जाएगा 2 बचेंगे, 5 गुणे 3 बराबर 15, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 2 ही तो बचाना फ्रेंड्स अपन को, यहाँ क्या करेंगे y स्क्वायर प्लस का 5y माइनस का 3y और माइनस का 15 बराबर 0, इसकी वैल्यू की जगह j लिख लिया और सारा ज्यों का त्यों कर लिया, टिट फॉर टैट
वाई स्क्वायर प्लस सॉरी यहां क्या लेना है कॉमन, यहां कॉमन लेना है, इसमें बाई आ रहा कॉमन सो का लेंगे, ये बाई कॉमन लेंगे सो का बचेगा बाई प्लस पांच माइनस का थ्री ले लेंगे कॉमन तो वाई बचेगा इस माइनस से जी माइनस प्लस हो जाएगा थ्री से फाइव फिफ्टीन को काटेंगे फाइव बार जी और जे सेम आ गया वाई प्लस का फाइव और वाई माइनस का थ्री बराबर जीरो एफ करें देना फ्रेंड्स वाई प्लस का फाइव बराबर जीरो तो y बराबर प्लस का इस साइड जाएगा माइनस का जो अमान हो जाएगा और जो बचेगा y माइनस का थ्री बराबर जीरो तो y बराबर प्लस का थ्री जो हो जाएगा। अब अपन ने पहली संख्या मानी थी जो कहा गया इसका मान रख दो पुट इन फर्स्ट समीकरण का माना था अपन ने x माइनस वाई बराबर टू एक्स माइनस वाई की वैल्यू थ्री है बराबर टू तो एक्स बराबर माइनस टू जाके था जी माइनस का साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा एक्स बराबर फाइव आ गया एक्स की वैल्यू फाइव आ गई वाई की वैल्यू टू आ गई। और अपन को देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन को देखना है सही है कि गलत है, वो क्या कह रहा था दो संख्याओं का अंतर कितना है टू है तो पहली संख्या का है अपनी फाइव है और दूसरी संख्या का है थ्री इसमें से घटा दो टू बच रहा देखो अंतर भी टू आ गया अपना आंसर सही है। फ्रेंड्स दो नंबर का क्वेश्चन जे दो नंबर का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है उतार लें स्क्रीनशॉट ले लें लाइव हो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें लाइव आ जाओ करो पढ़ने पढ़ाते हैं पढ़ने क्लास देते हैं। और एक बात और बता दें फ्रेंड्स आप लोगों को 25 तारीख को मैथ का पेपर हो जाएगा इसके बाद फिर कंपटीशन की मैथ पढ़ाऊंगा एनटीपीसी का जिसका पेपर डला है ग्रुप डी का उसके लिए पढ़ाएंगे बहुत ही छोटे स्तर से मैथ पढ़ाएंगे और आपकी पेपर की आने तक मैथ पूरी कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखने की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर एक बिंदु ए की वैल्यू जी थी बी की वैल्यू जी थी इनमें से समदूरस्थ है तो निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर हमेशा होता तो वाई बराबर का हो जाता जीरो तो एक्स कॉमा वाई और ए की वैल्यू का दी आपको दो कॉमा माइनस पांच और बी की वैल्यू दी माइनस दो कॉमा नाइन जे पी मान लो जे ए पी अब इसको क्या कर लो ए पी ए बराबर पी बी ठीक है पी एक्स कॉमा जीरो ए की वैल्यू दो कॉमा माइनस पांच और बराबर पी की वैल्यू एक्स कॉमा जीरो और माइनस दो कॉमा नौ अब इसका क्या कर दो वर्ग यानी वो बीच की दूरी का सूत्र लगा दो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू ऐसे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू इसकी बीच की दूरी का सूत्र लगा दो एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर बराबर एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इसमें क्या रखा x1 की वैल्यू x माइनस x2 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 माइनस y2 का मान माइनस है और इसमें माइनस लगा सो प्लस का 5 हो जाएगा बराबर x1 का मान x और x2 का मान माइनस के 2 है इसमें माइनस लगा प्लस का 2 हो जाएगा प्लस y1 का मान का है 0 माइनस y2 का मान 9 का होल स्क्वायर। अब इसको कर देंगे ठीक है इसका कर देंगे वर्ग करने पर तो जी हट जाएगा पूरा और ये हो जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस यहाँ फाइव ही बचेगा फाइव का स्क्वायर बराबर यहाँ x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस का नौ का होल स्क्वायर a प्लस a माइनस b का यानी x स्क्वायर प्लस चार माइनस दो यानी चार एक्स प्लस पचम पच्चीस बराबर x स्क्वायर प्लस चार प्लस दो यानी चार एक्स प्लस का नौ इनम इक्यासी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और जे प्लस का माइनस का चार एक्स और प्लस का उन्तीस बराबर
जितना है 4x, यहां भी 4x है, 81 और 4 85। अब इसको क्या करो, 4x प्लस 85 जाके था, और इसको माइनस का साइड पहुंचा दो, प्लस का हो जाएगा और माइनस का 29 हो जाएगा, 4 4 8x और 85 में से 29 घटा देंगे, 85 में से 29, 5 के बाद 15 15 9 6 15 5 1 3 5 बचेगा, कितना हो जाएगा प्लस का 56। तो 8x बराबर माइनस का 56, तो x ऊपर माइनस का, माइनस का 56 अपॉन 8, 8 7 जा, तो x ऊपर माइनस का 7, और x की वैल्यू जी आ गई, y का मान अपन ने क्या लिखा था 0, तो जी x के निर्देशांक हो गए माइनस 7, 0। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पेपर के अनुसार। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा यही करें दे रहा है, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री के शून्यक बताना है, शून्यक यानी प्रथम और अंतिम, हम पहले से बताते चले जा रहे और लास्ट तक बताते जा रहे हैं कि एक नंबर का क्वेश्चन नहीं छोड़ो। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, 3 बन जा 3, जैसे 3 मल्टी 1 बराबर 3, और 3 में से 1 3 बन जा 3, और 3 में से बन जाएगा तो 2 बचेगा, 2 नहीं बचाना है, ऐसा करो 3 का 3 में कर दो, तो कितना हो रहा है, यार 3 वो नहीं होगा, क्वेश्चन रॉन्ग सा लग रहा है, यहाँ बेटा कहा था क्वेश्चन 2x, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसलिए क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा था, यहाँ 2 है, अब हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, गलती हो जाती है बेटा कभी कभार, 3 बन जाए 3, 3 में से बन जाएगा 2 बचाना, और 2 अपना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का x माइनस का 3 बराबर 0, यानी 3 में से बन जाएगा तो 2 बचेगा, इसमें से कॉमन ले लो, x ले लो कॉमन, से x माइनस का 3 बचेगा, इसमें से प्लस 1 ले लो, x माइनस का 3 बचेगा, इस प्लस से इस माइनस में होगा तो माइनस ही आएगा, जिस सेम आ गया x माइनस 3 और x प्लस 1 बराबर 0, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 और x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1, तो शून्य का आ गया बेटा 3 कॉमा माइनस 1, ये आंसर आ गया आपके, यानी 7 नंबर के 2, 2, 4, 6, 7 7 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कराते खान क्लासेस क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप लोग ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंडों के साथ, और 25 तारीख तक आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स।